मित्र, इन दिनों मेरे मन में एक ऐसे विचार चलते हैं, मैं नौजवान मित्रों के सामने रखना चाहता हूं। अगर कभी कभी मुझे लगता है कि जहां पावर स्टेशन है वहां से गांव तक बिजली ले जाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, और मान लीजिए उसी गांव में सोलार पावर प्लांट डाल दिया उस गांव की रिक्वायरमेंट के लिए, तो एक हिसाब लगाना चाहिए कि कौन सा कम खर्चे वाला है। मेरा अहमदाबादी माइंड कहता है वो गांव में सोलर प्लांट सस्ते में हो जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दें, इतनी जमीन ले लें, इतने तार लगाएं और फिर बिजली वहां जाए और फिर गांव को बिजली मिले। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इंटीग्रेटेड रूप में कर सकते हैं। हमारे यहां, मैं गुजरात की अगर बात करूं, हवा में काफी मॉइस्चर है और आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम विंड एनर्जी की ऐसी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं कि जो विंड एनर्जी से बिजली भी पैदा हो और मॉइस्चर को निकाल करके वो पानी भी दे। आज उस प्रकार के इनोवेशन हो चुके हैं। अगर 10,000 लीटर पानी चाहिए तो एक विंड मिल से निकलता है, और नॉट ओनली चिल्ड वाटर भी अवेलेबल होता है उसके कारण, और उस चिल्ड वाटर से हम कोल्ड स्टोरेज में उसको कन्वर्ट करें। कोल्ड स्टोरेज गांव में खड़ा हो जाएगा, गांव का किसान जो पैदा करेगा उसको लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी बन जाएगी। जो भी पैदा करता है मार्केट में, जब तक दाम बढ़ेंगे वो अपना कोल्ड स्टोरेज में रखेगा। कोल्ड स्टोरेज उस वेस्ट में से बनेगा, उस वेस्ट में से बनेगा कि जो बाय प्रोडक्ट था विंड एनर्जी का, बाय प्रोडक्ट चिल्ड वाटर था, उससे कोल्ड स्टोरेज चलेगा। वहां सोलार एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, पानी की व्यवस्था हो, कोल्ड स्टोरेज हो, यही चार चीजें एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जोड़ करके अगर बना दिया, मैं नहीं मानता हूं उस गांव को टेक्नोलॉजी के लिए और कोई रिक्वायरमेंट होगी और गांव हर प्रकार से समृद्ध हो सकता है। इस एक विचार को यहां जो मेरे नौजवान मित्र बैठे हैं, क्या इसको हम प्रायोगिक रूप में कहीं कर सकते हैं? मैं आपको गुजरात की धरती पर अवसर देने के लिए तैयार हूं दोस्तों, आप आइए, एक गांव को इस प्रकार से बदल के रखिए।